साहब मैं जिंदा हूँ। लेखपाल ने मुझे भूमि की खतौनी में मृतक दर्ज करके भूमि की पराशत दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी है। इस गुहार को लेकर एक बुजुर्ग दलित किसान अधिकारियों की चौखटों के चक्कर लगा रहा है, परंतु उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पूरा मामला सीतापुर की तहसील विश्वास क्षेत्र के ग्राम पडरिया मजरार रेवान निवासी दलित बुजुर्ग किसान इतवारी पुत्र नंदा की भूमि खाता 45 ग्राम रेवान में स्थित है। बुजुर्ग किसान ने तहसील विश्वा जाकर जब अपनी खतौनी निकलवाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खतौनी में पीड़ित किसान को क्षेत्रीय लेखपाल ने मृतक दर्ज कर भूमि की वरासत 3 अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी। आनंद फानन में बुजुर्ग पीड़ित ने लेखपाल के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज की तो लेखपाल ने उसे डरा धमका कर भगा दिया। पीड़ित किसान इतवारी का आरोप है कि लेखपाल ने उससे जमीन वापस करने के नाम पर 50,000 रुपए बतौर शुद्धा शुल्क की मांग की। लेखपाल की मनमानी से परेशान पीड़ित किसान ने उप जिलाधिकारी विश्वास सहित अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महीने से महीना तो यह हमका मर्सिक दिखा रहे थे। कौन लेखपाल साहब हमका मर्सिक दिखा रहे अब दूसरे हमारे रामा राशि पास में उनके नाव से आदमी मिल भर रहे थे। तो हम महीने थोड़ा बात से ध्यान पा सा तब हम गए लेखपाल से साथ कहें भगवान गए तो कोई नई शहर बनी हुई रुपया 50,000 दो हमका 50,000 रुपया हमका दो सैयद में ना आओ नहीं वरना चाहे थाम जाओ चाहे भूल जाओ जमीन तुम्हें ना हो वरना नहीं है जमीन वहीं पर है। तो आपने इसको लेकर के कहीं शिकायत की कहीं प्रार्थना पत्र दिए हैं? हाँ साहब हम कहने तहसील में मुजमा चले लेखपाल तहसील में मुजमा चले जाओ साहब दूसरी सेवा करें से कई है लेखपाल और साहब साहब से पेश बन जाए तो साहब से सुनवाए और कई दिन के बाद 3 दिन के बाद ये सब मामला तुम्हारा ठीक हो जाए लड़ू साहब हम मान करेंगे तय है माँ खैरा बात लड़ू साहब को क्या नहीं पाए आपको हम काटेंगे हम उनके लिए क्या नाम है आपका? हमारा सवारी नाम है। पिताजी का नाम? नंदा। कहाँ रहते हैं? पड़रिया। और वो जाते रेवान में सवारी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।